अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया डेली रिमाइंडर्स। नाजिया डेली रिमाइंडर्स की तरफ से आप सभी को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छे से गुजरी और उम्मीद है कि अल्लाह पाक से दुआ है कि आपकी भी वो ईद बहुत अच्छी गुजरी हो। तो मैं आज दिन भर कोशिश की हूँ कि जो आज इस मुबारक दिन का मैं कुछ कुछ लम्हा आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आज कुछ कुछ जो मैं अपने यहाँ रेसिपी बनाई हूँ और ईद के दिन मुझे कुछ भी तैयारी हुई है और मैं फिर अपनी अम्मी के घर गई, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश की हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आपसे इल्तिजा है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये फजर की नमाज के बाद सुबह का मंजर है, आप देख सकते हैं फजर के बाद से ही बारिश हो रही है और देखते हैं नमाज तक क्या बारिश रुकती है या नहीं, या ऐसे में ही सब नमाज पढ़ने जाते हैं क्योंकि नमाज पढ़ने तो जाएंगे ही ईद उल अज़हा का। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक चुकी है और अब पापा, जनाब, अनम, इनाम सब जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। और ये सब नमाज के लिए आ चुके हैं। तो जनाब, मेरे लिए यहाँ का नमाज के बाद का मंजर, सब जब नमाज के बाद एक दूसरे से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दे रहे थे, गले मिल रहे थे, तो जनाब ने मेरे लिए यहाँ का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, शुक्रिया जनाब का। और अब सब आ चुके हैं और अब हम सब एक जगह बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ईद के दिन ही सब नमाज के बाद एक दूसरे के घर आते हैं, लेकिन आज है ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र में सब आते हैं, तो ईद उल अज़हा में सब अपने अपने घर में कुर्बानी में बिजी है। और यहाँ पर बन रहा है दही वड़ा, अम्मी बना रही है। और इसके लिए दही और ये इमली की चटनी सब रेडी हो चुका है और यहाँ पर दही वड़ा भी रेडी हो चुका है और ये हो गया खाने के लिए रेडी। और अब मैं नाश्ता और खाना के बाद फारिग होकर बैठी हूँ रूम में, तो मैं सोची क्यों ना मेहंदी लगा लिया जाए क्योंकि आज है ईद और इस मौके पर ईद मेहंदी नहीं लगाऊँ तो कैसा लगेगा, क्योंकि कल मैं रात में लगा नहीं सकी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं अब मेहंदी लगाने बैठी। और जैसे ही बैठी जनाब आ गए, तो मैं सोची क्यों ना पहले जनाब के हाथ में भी अपने नाम की मेहंदी लगा लूँ। तो यहाँ पर मैं जनाब के हाथ में जनाब का और अपना नाम लिख रही हूँ। जनाब बिल्कुल नहीं लगाने खोज रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत शौक था कि मैं जनाब के हाथ में अपना नाम लिखूँ, तो मैंने लिख दिया। अब देखते हैं इनके हाथ में कैसा रंग आता है। और ये जनाब के बाद अब मेरा लग चुका है मेहंदी, मैंने सिंपल में ही लगा लिया नामुल की नाजिया। और मेहंदी लगाने के बाद मैं थोड़े सा सो गई थी, उसके बाद फिरदौस आया घर से, टिफ़िन मेरे लिए अम्मी ने भेजा और ये गोश्त कुर्बानी का, और ये बना रहे हैं अनम मेरे छोटे देवर जी पिज़्ज़ा, ईद उल अज़हा पे वो पिज़्ज़ा खाएंगे तो इसीलिए उन्होंने बनाया है पिज़्ज़ा। और ये अनम के पिज़्ज़ा बनने के बाद अनम और जनाब दोनों मिलकर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया, आप देख सकते हैं। अनम और जनाब यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं पिज़्ज़ा और जनाब अपने दोस्त से ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और अब आ चुकी है गुड़िया, मेरी छोटी वाली सिस्टर और उसकी फ्रेंड, दोनों ईद पर घर। ये है सादिया की, गुड़िया की फ्रेंड। क्या नाम है आपका? जुमैरा। जुमैरा। और गुड़िया, गुड़िया मेहंदी दिखा दो। गुड़िया सादिया लगाई ना? और अब गुड़िया जा रही है अपने फ्रेंड के साथ घर।
और अब शाम हो चुका है, सभी यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप जनाब और अनम। और यहाँ दूसरी तरफ बन रहा है चावल की पूड़ी, और ये गोश्त अम्मी बना रही है। और आज सुबह से सभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो गैस नीचे करके यहाँ पर अम्मी पूड़ी बना रही है, और सभी यहाँ पर देख रहे हैं टीवी। और मैं कब से जनाब को कह रही हूँ कि रेडी हो जाए, मैं जाऊँगी अम्मी के घर। तब तक जनाब जब तक टीवी देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सोची क्यों ना रेडी हो जाए जाए। मैं आज पहनने वाली हूँ इयररिंग्स। और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और जनाब भी रेडी हो चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ घर। तो हम लोग जा रहे हैं अभी नाजिया के घर। मूड तो नहीं था, बट नाजिया से घर भी जाने के लिए तो जाना पड़ रहा है। और ये था आज का सबसे बड़ा जो जो जनाब ने कहा। तो मैं आ चुकी हूँ अब घर अम्मी का। और यहाँ पर जनाब कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। और ये मैंने देखा कि अब्बू के बेड पर चीकू बैठा हुआ था, क्योंकि अब्बू अभी कुर्बानी के बाद से शाम में मस्जिद के पास गए अपने दोस्तों से मिलने। तो चीकू अब्बू को मिस कर रहा है, और अभी अब्बू के आने में देर हो गया, तो चीकू अब्बू के बेड पर आकर अब्बू का वेट कर रहा था। जैसे मैं गई, चीकू भाग गया। और जिस तरह जनाब का आने का मन नहीं था, उसी तरह मेरा अभी जाने का मन नहीं कर रहा था यहाँ सबको इस तरह से ईद के दिन छोड़कर। लेकिन अब मैं जा रही हूँ घर। और यहाँ पर साजिया और गुड़िया जनाब को हमेशा की तरह निकलते वक्त तंग कर रही थी, तो जनाब यहाँ पर साजिया को धमकी दे रहे थे कि नेक्स्ट बार बताऊंगा। और अब मैं आ चुकी हूँ घर, और मैं आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर करूँगी कि मुझे कितनी ईदी मिली है और जनाब ने मुझे कितना ईदी दिया है। रात बहुत हो चुका है। मेरा अम्मी अब्बू की तरफ से मेरा परवी, और ये जनाब की तरफ से मेरे लिए परवी, और भाई का परवी। और भाई ने मेरा और जनाब का ईदी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो भाई चले गए थे अपने दोस्त के घर मिलने के लिए। और ये तो मुझे बड़ों से ईदी मिली, और छोटों को जनाब ने यहाँ मेरे और अपने भी हाथ में दे दिया था, और मैं वहाँ साजिया और फिर दोस्त गुड़िया को भी दे दी ईदी। हाथ दिखाइए अपना। ये तो है नहीं नहीं जो मेहंदी लगाए थे दिन में। तो ये है एक रामुल, और नाजिया इतना खराब हो गया। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो जो मैं ईद उल अज़हा का आपके साथ शेयर की हूँ। तो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।